ये जो रूम है ये गीजर एसी इसमें दोनों चीजें हैं। ये गीजर लगा हुआ है, ये गर्मियों के लिए एसी लगा हुआ है। तो ये चित्रकूट अखंड आश्रम नाम से है और यहाँ पे प्राइस 700 रुपए से लेके 2500-3000 तक के रूम्स अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे नहीं रुके हैं तो भी, तो आप फिर भी यहाँ पे आके अपना नाश्ता लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। चित्रकूट अखंड आश्रम, चित्रकूट अखंड आश्रम बिल्कुल ये इस्कॉन मंदिर के पास में है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, लंच डिनर सभी अवेलेबल है। राधे राधे जी सबको। अभी हम खड़े हैं चित्रकूट आश्रम में और आप अगर वृंदावन आए हो तो आपको रुकने के लिए देखो बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पे, तो एक रूम टूर देते हैं और आप यहाँ पे कैसे रुक सकते हो और कैसे रूम बुक कर सकते हो इसकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और आपको पहले लोकेशन दिखाते हैं कि कहाँ से आप यहाँ पे आएंगे और अंदर आप रूम कैसे बुक करेंगे, फिर रूम भी आपको दिखाते हैं। वृंदावन बिल्कुल मेन में है, चलिए बाहर से चलते हैं और वहां से शुरू करते हैं। राधे राधे। तो अभी भाई जो मेरे पीछे रोड है वो है इस्कॉन टेम्पल वाला और आप देख सकते हैं मैं अभी जिस गेट में से निकल के आया हूँ ये है भक्ति वेदांता स्वामी गेट, उसके जस्ट इधर आइए चित्रकूट आश्रम कह सकते हो और हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति और इधर गणेश जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है और गेट जो है वैसे ये भी है लेकिन एंट्री जो है ये इस गेट के जस्ट बराबर में से इसकी एंट्री है अंदर जाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसी फैसिलिटीज आपको इस आश्रम में मिलेंगी। ये कुछ ऐसा सामने, जय श्री राम। तो चलिए एंट्री करते हैं चित्रकूट आश्रम में। देखो हनुमान जी के दर्शन होंगे सबसे पहले अंदर आते ही और इधर हैं गणेश जी। ये कार्यालय ऑफिस जो आप देख रहे हैं ना ये यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर कह सकते हो जहाँ पे आप रूम की बुकिंग के लिए आएंगे। इधर जो है वो गाड़ी की पार्किंग की फैसिलिटी है। सामने चलते हैं, पूरे बहुत सारे रूम्स अंदर आपको मिलेंगे। तो इस गेट से आप अंदर एंट्री लेंगे, यहाँ पर एक साइड में सत्संग हॉल भी है और इस तरफ ये आप सारे देखेंगे तो सारे रूम्स बने हुए हैं। रूम जो है ना दो तीन कैटेगरी इन्होंने बना रखी है, अभी आपको आगे प्राइस वगैरह की भी बताते हैं जो भी पॉसिबल हो सकता है। एक विद एसी विदाउट एसी है और गीजर विदाउट गीजर है, तो ऊपर वाले जो है वो विदाउट गीजर है, नीचे वाले विद गीजर है और बीच में कुछ ऐसा छोटा सा ये पार्क सा बना रखा है। स्पेस आप देख सकते हैं एक बार चारों तरफ से कि कितना काफी बड़ा स्पेस है यहाँ पे। 300-400 रूम होंगे कम से कम भी, चारों तरफ यही सब है इसमें एकदम परफेक्टली ऐसे इस तरीके से। और एक प्लस पॉइंट आपको और दिखाते हैं यहाँ का, अंदर आप सामने देखेंगे ना तो एक है श्री राधा रसोई, 100 रुपए में भरपेट खाना है और 40 रुपए में यहाँ पे आपको नाश्ता मिल जाता है। वो भी आपको अभी विजिट करवाएंगे लेकिन उससे पहले आपको एक बार रूम टूर देते हैं। चलिए जो रूम की चाबी अभी हमारे को मिली है वो रूम दिखाते हैं आपको। हमारे पास है 112 नंबर, तो 112 में जाना पड़ेगा और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, घिसाई हो रही है मार्बल वगैरह की, तो वो आपको यहाँ पे मतलब और बढ़िया वो मिलेगा जल्दी ही। तो ये है जी 112 रूम नंबर और इसमें हम चलते हैं अंदर। ये है सर देखिए कुछ ऐसे रूम यहाँ पे, अभी हमने दो तीन रूम देखे हैं तो सारे रूम एक ही जैसे हैं। ये लाइट के लिए कार्ड है तो हम एक बार लाइट ऑन कर लेते हैं। ये हो गई है सर लाइट ऑन। तो कुछ ऐसा आपको एक इसमें किंग साइज बेड मिल जाएगा और ये जो रूम है ये गीजर एसी इसमें दोनों चीजें हैं। ये गीजर लगा हुआ है, ये गर्मियों के लिए एसी लगा हुआ है। दो कुर्सी और एक टेबल मिल जाती है यहाँ पे, अच्छा खासा स्पेस है खाना वगैरह खाने के लिए और ठीक ठाक है रूम का स्पेस, बढ़िया है और आप देख सकते हैं साफ सुथरा है एकदम अच्छे से बना हुआ। और एक यहाँ पे आपको प्रॉपर अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है गीजर वाला, इसका तो क्या दिखाना, बढ़िया है लेकिन ठीक ठाक है। और इधर से अगर आप देखेंगे तो कर्टेंस लगा रखे हैं जिनसे आपको बाहर का व्यू मिल जाता है कुछ ऐसे। ये जो आप बाहर आपने देखा अभी पार्क जो है ये वो वाला स्पेस यहाँ पे हो गया है ये। और कर्टेंस बंद कर देते हैं, बाहर बहुत लोग घूम रहे हैं अभी तो वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो एक प्रॉपर बेड शीट और कंबल जो है बहुत बढ़िया है, तो कुछ ऐसे रूम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्राइस की नॉर्मल बात करें तो यहाँ पे आपको 1000 से लेके 1500 के बीच में प्राइस रेंज अभी हमें जो है वो बताई गई है, जो मौसम के हिसाब से प्राइस जो है फ्लक्चुएट भी होता रहता है। नंबर हम दे देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आप इसकी बुकिंग करवाना चाहें तो। और लेकिन स्टे अच्छा है, स्पेस बहुत बढ़िया है और सारे ऐसे ही रूम है। एसी नॉन एसी में प्राइस में फर्क होगा, गीजर नॉन गीजर में भी प्राइस में फर्क होगा, रूम देखने में सारे एक जैसे ही है। हमने अभी 3-4 रूम इनके देखे हैं। तो ये तो हो गया कुछ ऐसा रूम टूर आपका, फिलहाल आपको एक बार श्री राधा रसोई और दिखाते हैं जहाँ पे आप बढ़िया खाना भी खा सकते हैं वो भी काफी अच्छे प्राइस में। तो चलिए श्री राधा रसोई पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा रूम 112 नंबर
और जस्ट सामने है हमारे श्री राधा रसोई। 100 रुपए में भरपेट खाना और नाश्ता जो है वो है 40 रुपए का। ये यहाँ पे पूरी इनकी कैंटीन है और रूम के जस्ट सामने आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। यस, ये भी नाश्ता टाइम है जिसमें पराठे और पूरी मिल रही है, चाय वगैरह भी है। अब देखो दोनों के अंदर जो सब्जी है वो है आलू की ही, और यहाँ ये मिल गए हैं पराठे। अनलिमिटेड है, 40 रुपीज का प्राइस है खाने नाश्ते का, और खाना यानी कि लंच और डिनर जो है वो 100 का है, जो प्रॉपर थाली है जिसके अंदर सारा सामान आपको मिलेगा। खाना तो भंडारे जैसा होता है तो इनका अच्छा ही होता है बेसिकली। थैंक यू सर, ठीक है, काफी अच्छा है। तो नाश्ता हो गया भाई यहाँ पे, और यहाँ पे नाश्ता खाना खाने के लिए नहीं, लंच या डिनर करने के लिए आपको यहाँ पे रूम लेने की जरूरत नहीं है। जो स्वामी वेदांता गेट है उसके साइड में आप श्री राधा रसोई देख के आप यहाँ पे खाना खाने के लिए अलग से भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं रुके हैं तो भी, तो आप फिर भी यहाँ पे आके अपना नाश्ता लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे साथ हैं चित्रकूट आश्रम से ओमकार जी, तो इनसे ना डिटेल ले लेते हैं एक बार। रूम कैटेगरी, प्राइस और लोकेशन ये हमें बता देंगे कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। वृंदावन में नियर इस्कॉन मंदिर के पास में, यहाँ से बांके बिहारी भी 2-2.5 किलोमीटर ही है और पास में प्रेम मंदिर भी है। ये मेन रोड पे ये चित्रकूट अखंड आश्रम नाम से है, और यहाँ पे प्राइस 700 रुपए से लेके 2500-3000 तक के रूम्स अवेलेबल हैं। एसी एंड नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स हमारे पास अवेलेबल है। फ्लक्चुएट हो जाएगा 700 से लेके 2500-3000 तक के रूम कैटेगरी के हिसाब से, सीजन के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। कितने रूम है सर हमारे पास? 100 से ऊपर रूम्स है। यहीं पे बुकिंग कर सकते हैं, हमारा नंबर है उस पे आप बुकिंग प्री बुकिंग करा सकते हैं ऑनलाइन अगर करना चाहे। हाँ, 9074455810। हम डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाल देंगे ओमकार जी का, अगर आप बुकिंग करना चाहें आने से पहले तो आप पहले से बुकिंग कर सकते हैं जी। और 11 बजे का चेकआउट टाइम, 11 बजे का चेकआउट टाइम होता है सुबह का। सर अगर आप बात करना चाहें तो ओमकार जी से ही आपकी बात होगी। आश्रम का नाम है सर चित्रकूट अखंड आश्रम। चित्रकूट अखंड आश्रम बिल्कुल ये इस्कॉन मंदिर के पास में है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, लंच डिनर सभी अवेलेबल रहता है। हां, दिखाया था आपको अंदर श्री राधा रसोई के अंदर ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। थैंक यू सर, राधे राधे।